guys for this wonderful masterpiece what you have presented in front of us. क्या कुछ feeling है आप अभी अंदर गाने को देखने के बाद? What all is going in mind? Can you please share with us? We are very very happy of course after seeing the reactions. हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है and मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को गाना पसंद आया होगा जिसकी वजह से बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सबके लिए एंड हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था एक इस गाने के लिए भी एंड वी आर रियली हैप्पी एंड ग्लैड उनको इतना पसंद आ रहा है. Who is meeting each other after 5 years of time? So how do you relate with the concept? Or there was something in the mind? What was there in your head while making it? नहीं, पहले हमने ऑडियो क्रैक किया था गाना बनाने के बाद. यू नो आशीष जी का विजन बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा होता है. उन्होंने शेयर किया था स्टोरी ऐसा ऐसा एंड वी वर लाइक कि हाँ, लाइक आई हैव नो डाउट ऑफ कोर्स. एंड उन्होंने फिर बताया दिगांगना एंड रोहित है, मैं कहा वाओ, तब तो और भी अमेजिंग लगने वाला है. एंड आफ्टर सीइंग द वीडियो, लाइक मैं गोवा में नहीं थी इनके साथ शूट के लिए एंड मैंने बाद में मेरा चंक शूट किया है दूसरे प्लेस पे ऑफ कोर्स. उन्होंने बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया है एंड सो इनका वीडियो मैंने पहले देखा, इनके एक्सप्रेशंस, मुझे लगा हाँ तो इस बार थोड़ा बेटर करना पड़ेगा परफॉर्मेंस. सो स्वीट, तो ऐसा था एंड बहुत मज़ा आया ऑफ कोर्स एंड आई एम सो हैप्पी दे आर ऑन बोर्ड इन द सॉन्ग. रोहित, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह का किरदार आपने निभाया, काफ़ी लोग हैं वो प्लेस पे रहते हैं, आप जब स्क्रिप्ट आती है आपको जब पता चलता है वो उस तरह का किरदार, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए जब आपको स्क्रिप्ट बताई गई थी, तो क्या कुछ फीलिंग थी और आफ्टर इतनी स्मूथली वो कैरेक्टर आपका गया है, आप बता. देखो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है और ये जो इस पूरे गाने का जो इमोशन था वो जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो एक तो जब इतना अच्छा गाना होता है तो आपको मोटिवेशन तो वहीं से मिल जाती है कि गाना क्या दिखाना चाह रहा है. और सिंस हम लोग एक्टर्स हैं तो ये सिचुएशन से बहुत बार गुजरते हैं, लेकिन हर बार आप सोचते हो कि आपको कुछ नया देना है ऑडियंस को. और हर गाने की डिमांड अलग होती है, हर सिचुएशन के अंदर भी, एक सिचुएशन में भी नज़रिए बहुत सारे होते हैं. तो जब आप गाना सुनते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है. और म्यूज़िक वीडियो में क्या होता है ना, टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो वो एक शॉट दो शॉट के बाद में जैसे आपका डायरेक्टर से इंटरेक्शन बनता है तो आपको समझ में आता है कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और फिर एक बार जब आप उस इमोशन को पकड़ लेते हो तो फिर वो गाना अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो कैरेक्टर भी उस गाने के साथ साथ आपके दिमाग में फ्लो होना शुरू हो जाता है. तो यही था. जब आपको स्क्रिप्ट आई तो पर्सनली आपको सबसे फेवरेट क्या लगा स्क्रिप्ट में? सबसे अच्छा, परफेक्ट और सबसे डिफरेंट मेरे लिए एज एन एक्टर ये था कि ऐसे कैरेक्टर्स मैंने थोड़े से कम किए हैं जहाँ पर कि लड़की उसको छोड़कर चली जाती है. तो ये एक नया इमोशन था और उसको दिखाना, जब कर रहे थे तो क्योंकि हम देख नहीं पा रहे थे तो उसी के फ्लो के साथ हम लोग जा रहे थे, बट जब गाना पूरा बना और मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी अच्छे से वो गाना को जस्टिफाई, ये कैरेक्टर को भी मैं कर पाया हूँ और गाने के साथ बहुत अच्छे से वो मर्ज हो रहा है. आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिले लोगों की तरफ? बहुत अच्छे रिस्पांस है. आई थिंक ओवरऑल पूरे गाने के लिए लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है. गाना सुनने में बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है. इट्स पैकेज्ड वेरी वेल, करेक्ट प्लेटफॉर्म पर है. एक्चुअली हमारा काम तो बहुत लेटर आता है पिक्चर में, पहले तो इनका काम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गाना बहुत अच्छा बने बिकॉज उसके बाद ही आप वीडियो और उसको रिलीज़ कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है पे जा सकते हैं. आई रिमेंबर जब मुझे कॉल आया था गाने के लिए तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि गाना क्या है, बिकॉज गाना अपने आप में स्क्रिप्ट है. अगर आपको गाना ही समझ नहीं आया तो आपको कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी. तो मैं डायरेक्टर से मिली, मैंने गाना सुना प्रॉपर साउंड के साथ, देन आई रियली लाइक इट. इसलिए तो बहुत अच्छा है और मैं इमेजिन करने लगी इसको शूट कैसे करेंगे, ऐसे इसमें हेडशॉट्स काफ़ी होंगे ना, तो माई माइंड वेंट देयर. सो ये सारी चीज़ें आई थिंक इन टोटैलिटी एंड द गुड पार्ट इज दैट शुड दिस एज अ सॉन्ग एंड हम एज अ टीम ऑल्सो दिस इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी जो किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है. सो आई थिंक इट्स दिगांगना, यू हैव ऑल यू आल्सो सेड दैट दिस सॉन्ग लुक्स लाइक योर ड्रीम सॉन्ग, द वे इट वाज डायरेक्टेड एंड द वे इट हैज कम आउट इन द वीडियो. सो इन व्हाट वेज यू कनेक्ट, लाइक इट वाज द फ्यू थिंग्स दैट यू सॉ एंड यू फाइंड इट लाइक ओ वाओ? See, what I really like about the song is the amount of stay and the pace that it has. It, you know, if you're looking,
it flows smoothly in your head. You can plug in earphones or you can hear it really loud. The song has beautiful pace. Like generally kya hota hai in the music videos, when you're looking at two characters, they come and go very quickly, right? So there's very little time to register what actually happened. It's very cut, and I can't really relate to stuff like that. Unless it's a dance song, then it's different, you know. Certain things, even if they're, you know, cut really quick, they kind of somehow look good. But I personally adore Tera and that look bazi and when you're only looking like my favorite shot mera matlab mere apne aap ka sabse acha shot jab nariyal pani le liya and especially when you're like looking up yeah. I said hi you were in the camera slow motion yeah. So I like stuff hum jo boat mein baithe hue hain and you know there's his laughter and my laughter ye sari cheeze bahut relatable hoti hain. You know, and honestly, these are also the things about a person's personality that you eventually remember. Right. You know, वो कैसे दिखते हैं मायने नहीं रखता है, पर वो हंसते कैसे हैं. You know, how a person looks at you. ये सारी चीज़ें बहुत important होती हैं. So it's all very relatable. And पायल आपकी मैं बात करूँ, काफी fans ने मैं देख रहा था पायल दीदी, दीदी करके काफी लोगों ने किया पायल दीदी काफी अच्छा लगा हम सुन रहे इतने कनेक्ट हो रहे फैन आपसे जो आपको दीदी यूज करके आपको पायल दीदी उन फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहूँ मैं मुझे बहुत खुशी होती है जो मुझे कोई दीदी कहता है एंड बिकॉज हम लोग पता है सिर्फ लता दीदी कहते हैं यू नो लता दीदी ही कहते हैं अभी भी तो ये खिताब ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर मुझे कोई कह रहा है तो आई एम सो हैप्पी कि इतना रिलेट कर पा रहे हैं एंड मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं से उनके इमोशंस को समझ पा रही हूँ कि उनको कैसे गाने पसंद आ रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी बिकॉज़ आई एम अ वेरी वेरी सिंपल पर्सन आई एम टेलिंग यू मैं आप आज मुझे देख रहे हो आप आज से 10 साल के बाद भी देखोगे ना तो मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ मुझे फेकनेस पसंद नहीं है मैं जैसी हूँ मैं आपके सामने हूँ जो बोलना मैं आपके सामने ही बोलूँगी ये नहीं कि मैं अभी आपके सामने कुछ बोल रही हूँ पीछे जाके कुछ और बोलूँगी मेरे से नहीं हो पाता है तो मैं उनसे कनेक्ट जब भी करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग अपनी दिल की बात अगर कुछ भी बोलते हैं आप ऐसे गाने क्यों नहीं करती आप वैसे क्यों नहीं करती आप इनके साथ क्यों नहीं करते तो मैं उन सारी चीज़ों को कंसिडर करती हूँ कि हाँ लोगों को चाहिए ये चीज़ लोग बोलते थे कि अभी जैसे जुबिन के साथ मेरे बहुत हार्ट ब्रेक गाने बहुत आ गए थे तो सब लोग बोल रहे हैं आप जुबिन के साथ हार्ट ब्रेक गाने क्यों करते हो आप जुबिन के साथ रोमांटिक सॉन्ग भी तो कर सकते हो डांस सॉन्ग भी तो कर सकते हो तो हमने बैक टू बैक एक तो मिठी मिठी जो किया पहले मिठी मिठी मैं तो गल सुने तेरे सोने सोने दैट था उसके बाद अभी जो भालू कोई तारा सुंदरी वो भी डांस ट्रैक था तो हम लोग कंटिन्यूसली वी आर आई एम लिसनिंग टू देम उनको जो चाहिए वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि उनको जो चाहिए कि हाँ मैं वही करूँ सो आई एम रियली हैप्पी दे आर शेयरिंग देयर फीलिंग्स विद मी सो आई एम एबल टू डिलीवर इट टू हिम दिगंगा आपकी मैं बात करूँ जब हम देखते हैं चाइल्डहुड से आप आए शिवदन तमिल तेलुगू मूवीज एंड नाउ OTT डेब्यू वेरी सून हम और मैं सोशल मीडिया की बात करूँ उस पर भी मैंने एक तस्वीर देखी थी राहुल गांधी जी के साथ आपकी तो आई वाज लाइक कि पॉलिटिक्स में भी जाने का कोई इरादा है भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स में जाने का इरादा अभी नहीं है अभी मैं अभिनेता ही ठीक हूँ नेता तक आई पीएचडी नहीं नहीं अभी सिर्फ सी आई फील जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आई सॉर्ट ऑफ रिलेट टू अ मूवमेंट और आई फील ये एक अच्छे पर्पस के लिए किया जा रहा है इट्स नॉट इवन पॉलिटिकल इट्स रादर आप किस थॉट के साथ सी क्या होता है एज अ क्रिएटिव पर्सन चाहे वो कोई भी मीडियम हो स्क्रिप्ट से पहले आता है थॉट एक आइडिया राइट एंड वो आइडिया बहुत मायने रखता है बिकॉज दैट होल्ड्स योर एंटायर कन्विक्शन कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हो राइट सो फॉर मी वेदर इट इज़ माई लाइफ यू नो वेदर इट्स माई रिलेशनशिप विद समबडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस आधार पे है यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फ्रेंड्स हैं आप फ्रेंड्स क्यों हैं लाइक आई कॉन्ट हैव फ्रिवलस रिलेशनशिप्स आई एम नॉट अ शैलो पर्सन सो आई एम आइदर रियली फॉन्ड ऑफ समबडी और आई एम वेरी फॉर्मल यू नो लाइक वो फिर डोर्स उधर तक ही लिमिटेड होते हैं So I have this thing ki whether it's OTT, whether it's my films, whether it was TV before,
मैं अपना 100% करूँ एंड और योर पॉलिटिक्स करें। हाय हाय, आप तो मुझे मतलब ढकेल ही दो पॉलिटिक्स में। If I saw that picture, it was so like you are going into that Bharat Jodo Yatra. Yeah, but the picture looked nice, no? Hand in hand with one of the most भाई और किसी के हाथ पकड़े हुए थे उन्होंने, ऐसा नहीं है। I think that was the sign of that movement. It was Bharat Jodo Yatra. So it was pretty much it was. This is going to go another level. I know. But what I mean to say is, I'm very reserved by nature. But if I choose to do something, I have a very I have my own meaning and reasons to it. I don't do something. Yeah, मैं कुछ आपने कभी मैंने you know I have never tried to explain my agenda of doing a certain thing. You know, like when I did Big Boss, lot of people घर पर भी Big Boss के घर में उन्होंने कहा था आप तो बहुत छोटे हो आप घर में क्यों आपके मम्मा पापा ने अलाउ किया। मैंने मेरे मम्मा पापा के बारे में कुछ बात बोलना you know. So I think I've made decisions that momentarily and that minute looked correct to me. It felt like I want to support a certain thing. You know, whether it's मेरा career, whether it's attending, like मैं parties attend नहीं करती, मुझे बड़ी दिक्कत होती है parties attend करने में। You want to explore many things in your life. I want to. Apart from acting and all. Apart from acting, I want to explore many things in my life, but politics is not in my radar, my friend. भाई politician बना क्या बनेगा? ये इनको headline चाहिए दिखाना। कुर्सी पे बैठे देखना चाहता हूँ। Yes. अभी यही कुर्सी ठीक है। Yes. यार एक टी वी शो ही है मैं जो नेक्स्ट कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी है और जनरली जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ हर प्रोजेक्ट के बीच में, लेकिन ये उडारियाँ के बाद में ये प्रोजेक्ट ऐसा आया कि वो उडारियाँ के पहले ही आ गया था वो, और मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन क्योंकि मैं उडारियाँ कर रहा था और मेरा उधर कमिटमेंट था इसलिए मैं उस स्टोरी को हाँ नहीं कह पा रहा था। बट आई एम रियली थैंकफुल कि जो चैनल है एंड द प्रोडक्शन हाउस वेटेड फॉर मी और वो स्टोरी शायद मेरी किस्मत में होगी इसलिए वो फाइनली मैं कर रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि कुछ टाइम के बाद सब लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए जी, गाना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सी कन्या ने गाया है सुंदर सी आवाज़ के साथ। थैंक यू सो मच। एंड विजुअल्स भी बहुत अच्छे हैं, टेस्ट हमारे ख्याल से बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, जो एक्ट जो इमोशन आना चाहिए था गाने में। नॉर्मली क्या होता है, वीडियो जस्टिस करना भी बहुत बड़ी बात होती है। आई अग्री कि जब हम लोग सिंगर है चलो हम लोग जब है गा लेते हैं, बट उस चीज़ को एक्ट करके दिखाना, लोगों तक पहुंचना जिससे लोग कनेक्ट करें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, कम तो नहीं को, एंड वी आर रियली हैप्पी। सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, पर हम लोग देन पर्दे के पीछे, हमारे डायरेक्टर, सारे कास्ट क्रू, एवरीबडी, यू नो हमसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम दैट की वो लोग हमारे वही पूरा वो बनाते हैं। और अब जैसा पायल ने बोला कि हम तो गा लेते हैं और एक्टर्स वो करना, लेकिन एज एन एक्टर मैं ये सोचता हूँ कि चलो हम लोग तो एक्टिंग कर लेते हैं, बट जब सिंगर गाता हो हम लोगों के सामने तो पूरा पूरी टीम होती है जो हमको बताती है, लेकिन सिंगर जब उस गाने को गाते होंगे तो वो उनकी इमेजिनेशन क्या होती होगी और वो कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि गाना जब हिट हो जाता तो आपको पूरा दिखाई देता है, तो लोग विजुअल के साथ में भी कनेक्ट करते हैं, आवाज़ के साथ भी, लेकिन सिंगर का एक बंद डार्क रूम के अंदर उस गाने को गाना है फ्रॉम सिंगर की क्या सोच है, यू नो म्यूजिक क्या कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो यू नो हाउ शुड दैट बी एग्जीक्यूटेड एंड वो हम तक कम्युनिकेट कैसे होगा। इमेजिन कीजिए इतने सारे ब्रेन हैं, सबको सेम पेज पे रहना, इट्स क्वाइट अ टास्क, बट इट्स ब्यूटीफुली डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।